आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो ऐसे एक ट्यूब है, सपोज ऐसे एक होस है, तो क्या है, इधर से एक वर्टिकल जेट ऑफ वेट वाटर ऊपर आ रहा है, ओके, कितना वेलोसिटी में, इनिशियल वेलोसिटी, इधर से आने वाला वेलोसिटी है यू, और उधर का डायमीटर, ये जो स्ट्रीम का डायमीटर है कैपिटल डी, ओके, कैपिटल डी हम लोग को दिया गया है, इधर दिया गया कैपिटल डी है, एंड वेल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रीम ऑफ वाटर जो ऊपर जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको ये जो बॉल ऑफ वेट डब्ल्यू का सपोर्ट करते हैं, बॉल ऑफ वेट डब्ल्यू का सपोर्ट करते हैं, इसको नीचे आने नहीं देता, मतलब इसका वेट का इक्वलेंट फोर्स ये जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है ये अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करते हैं। एम जी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ थ्रस्ट अप्लाइड बाई दिस स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन दिस बॉल, ओके। अभी हम लोग को बोला है कि ये जो बॉल है वो एच हाइट ऊपर है, हम लोग को क्या निकालना है, ये एच का वैल्यू निकालना है ये सब का टर्म्स में, ओके। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी, हम लोग को पता है ये जो बॉल का जो वेट है डब्ल्यू, इट इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ थ्रस्ट, फोर्स ऑफ थ्रस्ट अप्लाइड बाई दिस स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन दिस बॉल, इट इज़ इक्वल टू, हम लोग को पता है कि फोर्स ऑफ थ्रस्ट क्या है, इट इज़ नथिंग बट माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, इट इज़ इक्वल टू रो इन टू एरिया ऑफ दिस स्ट्रीम एट दिस पोजिशन, एरिया ऑफ दिस स्ट्रीम एट नियर बाई द बॉल, इट इज़ इक्वल टू रो इन टू, अगर हम लोग ए टू ले रहे, इधर का एरिया हम लोग ए वन ले रहे, इधर का एरिया हम लोग ए टू ले रहे, रो इन टू ए टू इन टू वी टू स्क्वायर, ओके, रो इंटू ए टू इंटू वी टू स्क्वायर है, इतना हम लोग को पता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू रो इंटू ए टू इंटू वी टू स्क्वायर। अब हम लोग वी टू यू का टर्म ले कैसे लिखेगा, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ए वन वी वन, ए वी रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ए कॉन्स्टेंट, ओके, दैट इज ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ओके, इधर से हम लोग को मिलेगा v2 इज इक्वल टू ए वन डिवाइड बाई ए टू इंटू, इस केस में v1 क्या है, u, ओके, ए वन डिवाइडेड बाई ए टू इंटू यू है, ए वन डिवाइडेड बाई ए टू इंटू यू। ऑल्सो ये क्या है कि v2 a1 वन डिवाइड बाई ए टू इंटू यू होगा, लेकिन क्या होगा कि हम लोग को पता है कि बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग को पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इधर ए क्या है, वर्टिकल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ए वर्टिकल डिसेलरेशन ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी इंटू कैपिटल एच, कितना है, डिस्प्लेसमेंट एच, ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, देयरफॉर वी कैन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी इंटू कैपिटल एच, ओके, इधर से हम लोग h का इक्वेशन निकालेंगे, h इज नथिंग बट वन डिवाइडेड बाई टू जी इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वन डिवाइडेड बाई टू जी इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू जी इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, का वैल्यू हम लोग को इधर से मिलेगा f इज यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हम लोग अगर अप्लाई करेगा, वी नो दैट f इज इक्वल टू equal to f is equal to it is nothing but rho into a2 into क्या होगा v square, rho into a2 into v square है, okay, ओके, रो इंटू ए टू इंटू वी स्क्वायर है, इधर से हम लोग को मिल रहा है कि वी स्क्वायर इज़ नथिंग इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रो इंटू ए टू, देयरफॉर ये वैल्यू हम लोग इधर पुट करेगा, इट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रो इंटू ए टू, ओके। अगर हम लोग ये a2 को a1 के टर्म में कैसे लिखेंगे, वी नो दैट v1 वन इंटू ए वन इज इक्वल टू वी टू इंटू ए टू, ओके, देयरफॉर ये यूज़ करके हम लोग अगर लिख रहे हैं, वी नो दैट h इज इक्वल टू वन बाई टू जी इंटू यू स्क्वायर माइनस w डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा हम लोग को, रो इंटू ए वन स्क्वायर इंटू यू द होल स्क्वायर,
ये ए टू को हम लोग अगर रिमूव किया, द होल स्क्वायर सॉरी, ए टू को हम लोग अगर रिमूव किया ये यूज़ करके, हम लोग को ऐसे मिलेगा। देयरफॉर एच इज़ इक्वल टू, हम लोग को डायमीटर के टर्म्स में चाहिए, एच इज़ इक्वल टू 1/2g इंटू यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रो इंटू एरिया इज़ नथिंग बट पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर इधर हम लोग को डी में मिला है, इट इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा, इंटू यू द होल स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग अगर फाइनली लिख रहे तो इट इज़ नथिंग बट 1/2g इंटू यू स्क्वायर माइनस 4w डिवाइडेड बाई, ये क्या है, डी स्क्वायर इंटू यू रो यू पाई डी स्क्वायर द होल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द इक्वेशन फॉर हाइट।